आपको कपड़े हैं या ग्लव्स हैं या फिर मतलब कि जूते हैं वो ले लें यहाँ पर, ठीक है, आपको बोला जाएगा। बर्फ में ही फोन गिर गया था इसका। हेलो गाइज, आपका स्वागत है इन खूबसूरत हसीन वादियों में। इस ब्यूटीफुल लोकेशन का नाम है मनाली। हमने अपना सफर शुरू किया दिल्ली से। दिल्ली टू मनाली काफी वॉल्वो बसेस अवेलेबल होती हैं और हमने भी एक ऐसी वॉल्वो पकड़ी और निकल पड़े अपने सफर पर। वॉल्वो में 13 घंटे रात में सफर करने के बाद हम पहुंचे मनाली वॉल्वो बस स्टैंड, देन अपने होटल। इतने लंबे सफर के बाद हम काफी थक गए थे तो हमने किया थोड़ा सा आराम और रात को निकल पड़े यहाँ के माल रोड की चकाचौंध देखने। माल रोड पर आपको बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पर रौनक हमेशा बनी रहती है। हेलो, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आई एम प्रवीण चौहान एंड यू आर वाचिंग प्रवीण द हाइकर। मैं आया हूँ आज मनाली के अंदर, और जी हाँ, ये मनाली के अंदर आज मेरा सेकंड डे है। कल हमने रेस्ट ही किया, कल हम कहीं घूमने नहीं गए क्योंकि हम थोड़ा थक गए थे, तो हमने थोड़ा बहुत यहीं के आसपास की प्लेसेस को घूमा। बट आज हम मेन मनाली को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे और मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। अब की बार मैं अपने भाई बहनों के साथ आया हूँ, तो अभय है मेरे साथ और मेरी सिस्टर है रीमा। अभय को आपने पहले भी वीडियोस के अंदर देखा हुआ है, वो अभी जनाब सो रहे हैं देखो, और कमरा कुछ फैला हुआ है, ठीक है। मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अभी हम जस्ट जा रहे हैं सोलांग वैली, जो कि एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है यहाँ से, तो अभी वहीं जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। बाकी मैं एक आपको होटल से बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, अगर ये कैमरा कैप्चर कर पाएगा। बहुत ही सुंदर व्यू है यार, बाहर पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर जमी हुई है बर्फ, बर्फ से ढके पहाड़ जो कि होटल रूम से बाहर दिखते हैं। आई होप आप भी देख पाएं, दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। स्नो से ढके हुए पहाड़, पहाड़ों के ऊपर जो है स्नोफॉल होती रहती है, तो अभी हम सोलांग वैली जा रहे हैं और वहां पर देखेंगे काफी सारी स्नो। यूं तो सोलांग वैली मनाली से लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। आज हम आपको सोलांग वैली की खूबसूरती और यहाँ के एडवेंचर एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे। गाइज, ये है सोलांग वैली और अब आ चुके हैं सोलांग वैली के अंदर, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ सोलांग वैली का पैराग्लाइडिंग ग्राउंड। यहीं पे पैराग्लाइडिंग होती है। व्यू देखो यार, एक बार इतना प्यारा व्यू है यहाँ पे देखो। तो गाइज, ये है यहाँ पर देवता कंचन नाग मंदिर है, यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। सारी स्नो है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूते यहाँ पर उतारें और अंदर जाएं, ये मंदिर है। और अभी सोलांग वैली के अंदर देखो स्नो नहीं है, बाकी ऊपर रोपवे है, यहाँ पे रोपवे दिख रहा है, कोशिश करेंगे रोपवे करने की। बाकी तो स्नो तो है ही नहीं, अभी देखो खाली पड़ा है, अदरवाइज ये ग्राउंड भर जाता है फरवरी में, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी में ये पूरा ग्राउंड स्नो से भरा रहता है पूरा ग्राउंड। और ये जाएगा बाबा के ऊपर। यो बच, कैच करना अभी मुझे। ओ कैच, कैच करते हो बर्फ को, आई एम गुड इन क्रिकेट। कैच करेगा कैच? अरे भाई क्रिकेट नहीं खेला तू, फेंक, मैं करता हूँ कैच, दोबारा देख, फेंक फेंक फेंक, अब फेंक तो क्या यार, तो ठंडा बर्फ ठंडी नहीं होगी तो गर्म होएगी। अब पहुँचा ही नहीं है। हे गाइस, तो अभी मैं हूँ सोलांग वैली के अंदर और अभी यहाँ पर स्नो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रोप वे कर सकूँ क्योंकि ऊपर थोड़ा हिल पे आप स्नो है थोड़ा सा। बाकी देखो, आप आते हो ना मनाली, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सोलांग वैली अगर आप आते हो, अगर आप दिसंबर जनवरी या फेब के अंदर आते हो, जो ड्राइवर्स होते हैं आप उनको बोलोगे वो आपको लेके आएंगे, तो वो आपको अराउंड बोलेंगे कि आप यहाँ पे ना कॉस्ट्यूम ले लें, जो स्नो के जो कपड़े हैं या ग्लव्स हैं या फिर मतलब कि जूते हैं वो ले लें यहाँ पर, ठीक है, आपको बोला जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे मार्च में आ रहे हो, अभी मार्च में आ रहे हो या अप्रैल मई में आते हो इस साइड,
तो आपको देखो ये सब लेने की जरूरत नहीं है, रियल बताऊं, क्योंकि ज्यादा ही हैवी स्नो है या फिर आप स्नो एक्टिविटी करते हो तब आपको उन कपड़ों की जरूरत होगी। बाकी इनके एक्चुअली क्या होता है, इनका कमीशन होता है, तो ये जो कैब वाले होते हैं ये आपको स्टॉपेज पे वहां पे रोकते हैं, तो वहां से आपको कॉस्ट्यूम दिलाने की कोशिश करते हैं। बाकी कॉस्ट्यूम्स जो है यहाँ पर पास में भी मिल जाते हैं, ऊपर आकर भी मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको बोलते हैं कि ऊपर नहीं मिलेगा, सिर्फ नीचे मिलेगा। बाकी अगर आपको लेना है, आपको देखो एक्टिविटी करनी है, तो आप उन कॉस्ट्यूम्स को लीजिए। अदरवाइज आपके पास हैवी जैकेट्स हैं और अगर आपके पास ट्रैकिंग बूट्स हैं, जैसे कि मैंने ट्रैकिंग बूट्स ले रखे हैं फ्रॉम डीकैथलॉन, ये सेमी वाटर प्रूफ बूट्स भी हैं, तो मुझे भी काफ़ी बोला गया हमारे कैब वाले भैया ने कि आप ले लो, ये ग्लव्स ले लो, लेकिन ग्लव्स मेरे पास ऑलरेडी थे, बट मैं अभी आ रहा हूँ तो ग्लव्स की भी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, फिर भी मैंने प्रिकॉशन के तौर पर रख लिए थे ग्लव्स और ये मेरे पास बूट्स थे, और जैकेट मेरे पास ऑलरेडी अच्छी जैकेट है, मतलब कि वाटर प्रूफ जैकेट है, तो ऐसा कुछ मुझे अभी तक तो दिक्कत आई नहीं। तो ये आप अगर एक्टिविटी करते हो, अगर आप देखो स्नो में लेटना है, आप कॉस्ट्यूम्स ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँ कि आप मार्च के बाद या मार्च में उनको मत लीजिए, क्योंकि वो आपका ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। आप देखो यहाँ पर इतना तो इतनी ठंड है, ठंड लग रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा कि उनकी ज़रूरत ही है। कहाँ पता नहीं फ़ोन कहाँ पे दिया है इसने, देखो पूरा बर्फ़ के अंदर, बर्फ़ में ही फ़ोन गिर गया था इसका, और पूरा देखो बर्फ़ के अंदर जम गया है, ये बर्फ़ खा गया आईफोन तेरा। जिंदा फ़ोन चल रहा है, गाइस अभी बैठ चुके हैं हम केबल कार में रोपवे के अंदर, और टिकट है इसकी 700 रुपीस पर पर्सन, और अभी रोपवे चलने वाली है, अब ऊपर से नज़ारे लेंगे। आप इस टिकट को अपने पास रख सकते हो और शाम के 5 बजे तक एंजॉय कर सकते हो, 11 बजे रोपवे खुल जाता है और आप वहाँ ऊपर रह सकते हो 5 बजे से पहले पहले तक, 5 बजे तक मतलब रह सकते हो, और 5 बजे आपको ये टिकट दिखानी होगी और आप नीचे आ जाओगे, तो मतलब आप हम ऊपर जाएंगे, ऊपर थोड़ा एंजॉय करेंगे और फिर नीचे आएंगे। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है, ऊपर पैराग्लाइडिंग आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, सोलांग वैली को विंटर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज दिसंबर टू फरवरी। और जब यहाँ पर आकर आप सामने स्नो से ढकी वादियों को देखते हैं तो मानो ये लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। एक बात का और ख्याल रखें कि जब भी आप स्नो वाले एरिया में जाएं, मेक श्योर कि आपके पास सनग्लासेस हों, क्योंकि ये वाइट स्नो बहुत रिफ्लेक्शन मारती हैं आँखों पर, तो आँखों की प्रोटेक्शन के लिए सनग्लासेस मस्ट रिक्वायर्ड हैं। वाकई में सोलांग काफ़ी ब्यूटीफुल है, और इन बर्फ की चादरों में लपटे हुए इन पहाड़ों को देखकर एक शायरी याद आ गई। सर्द रातों की तन्हाई में दिल अपना कुछ यूं बहलाते हैं, कुछ उनका लिखा दोहराते हैं, कुछ अपना लिखा मिटाते हैं। तो गाइज थोड़ा आराम कर रहे हैं स्नो के अंदर, स्नो के अंदर लेटे हुए हैं आराम से,
और ये आसपास स्नो है, स्नो वाली मछली बन गए हैं थोड़ी देर के लिए, बर्फ़ से खेल रहे हैं। अरे बर्फ़ ऊपर से आ रही है हमारे, अब है बर्फ गिर रहा है ऊपर से। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन पीस, बाय बाय।